गुड मॉर्निंग दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट एट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान करने का आदेश प्रदान करता है? तो हमारे पास ऑप्शन है विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र, दोनों एक और दो, और दोनों दो और तीन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि दोनों एक और दो यानी कि विनिमय पत्र और चेक दोनों से जो है वो भुगतान का आदेश प्रदान किया जाता है। आइए कुछ और जानते हैं। विनिमय पत्र, विनिमय पत्र को एक स्पष्ट रूप से ड्राफ्ट की संख्या दी गई है। जब ये विनिमय पत्र किसी एक बैंक के द्वारा या दूसरे बैंक के द्वारा आपस में या किसी और बैंक को दिया जाता है तो इन्हें बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। जो चेक है, चेक जो धन के भुगतान का आदेश देता है, चेक लिखने वाला व्यक्ति जिसे निर्माता कहते हैं, उसे आमतौर पर एक जमा खाता होता है जहां उसका धन जमा होता है। चेककर्ता चेक पर धनराशि, दिनांक और अदाता सहित कई विवरण लिखता है और ये आदेश देते हुए हस्ताक्षर करता है कि उल्लेखित धनराशि को उस व्यक्ति या कंपनी को उसके बैंक द्वारा भुगतान किया जाए। और अभी जो लेटेस्ट जो बैंक की जो चेक क्लियरिंग की डेट है वो सिर्फ 3 महीने की रह गई है कि आज जब हमने चेक काट के दे दिया, वो 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो उसके बाद वो क्लियर नहीं होगा, वो फ्रेश चेक जो है वो दोबारा से इश्यू करवाना पड़ता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, भारत में बैंकों को बीमा सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तुम्हारे पास ऑप्शन है DICGC, RBI, GIC और भारत सरकार, या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट DICGC एक सही आंसर है। आइए DICGC के बारे में कुछ जानते हैं। इसका मतलब है कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, जिसको हम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन भी कहते हैं, ये एक भारत का सार्वजनिक प्राधिकरण है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाला सहयोगी संगठन है, यानी कि इसको भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो फुल्ली हैंडल करता है। ये परिसमापन दिन बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान से संबंधित कार्यपद्धति में अतिरिक्त अशोधन करता है। निगम का प्रधान कार्यालय जो है वो हमारा मुंबई में है और इसके एक कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, इसके वरिष्ठ अधिकारियों के समग्र दैनंदिक कार्यों के लिए प्रभावी अधिकारी भी हैं। इसके पास जो 4 मुख्य जो ब्रांचेस हैं वो हैं कोलकाता में, चेन्नई में, नागपुर में और नई दिल्ली में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, बैंकिंग ओम्बड्समैन के क्या कार्य होते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, बैंकिंग ऋणों का प्रभारी, बैंकों की शिकायतों का निवारण करता है, या ब्याज दरों को फिक्स करता है, या सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का मुखिया है, या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि बैंकिंग लोकपाल योजना यानी कि बैंकिंग ओवरड्राफ्ट स्कीम भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए आरम्भ की गई एक नई योजना है। इसके अंतर्गत एक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जाती है जो एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। वैसे तो बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में लागू की गई थी, लेकिन 2002 और 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए संशोधन किए गए ताकि बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभाव रहित और जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाएँ। ये एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकिंग द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखता है। ग्राहक किसी भी बैंक में अधिकारी या कर्मचारी की शिकायत जो शिकायत व समय में से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत या डॉक या फिर आपकी ईमेल के द्वारा संबंधित अधिकारियों को वो भेज सकता है और निःशुल्क की जाने वाली शिकायत का निस्तारण यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर किया जाता है, जैसे कि RTI के ऊपर होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है,
रेपो दर, बैंक दर, आधार दर, CRR और इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि आधार दर एक सही आंसर है। आइए कुछ और जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए के दिशा निर्देश के अनुसार बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 1/7/2010 से प्रभावी करते हुए आधार दर प्रारंभ करें। मौजूदा बेंचमार्क ऋण यानी कि BPLR कॉरपोरेशन बैंक बेंचमार्क अग्रिम दर यानी कि कोवार प्रणाली की जगह आधार दर लेगी। ऋण के सभी लागू श्रेणियों को अब यह आधार दर से जोड़ा जाएगा। आधार दर प्रणाली की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा BPLR कोवार को बैंकों के आधार दर के साथ प्रस्तावित किया जाएगा। वर्तमान आधार दर और बैंक की BPLR कोवार 1 जून 2015 से प्रभावी करते हुए बैंकों के आधार दर के संशोधन करते हुए इसे 10.25% से 10% किया गया। 6 फरवरी 2013 से ऋण देने के लिए बैंक के आधार दर 10.25% प्रतिवर्ष कर दी। 1 अगस्त 2011 से ऋण देने के लिए बैंकों की BPLR कोवार जो है वो 15% प्रतिवर्ष कर दी गई। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो 5th क्वेश्चन है वो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी डैश द्वारा स्थापित किया हुआ है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1990, सेबी अधिनियम 1993, सेबी अधिनियम 1991 या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेबी अधिनियम एक सही आंसर है और सेबी के बारे में हमने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो 6th क्वेश्चन है वो है भारत के डाकघर निम्न में से कौन सी सुविधाएं नहीं देते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है बचत बैंक खाता, खुदरा म्यूचुअल फंड का लेन देन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जीवन बीमा सुरक्षा या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी खुदरा म्यूचुअल फंडों का लेन देन, ये जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमारा जो है वो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू हम और जो भी ट्रांजेक्शन है शेयर्स वगैरह की या फिर म्यूचुअल फंड्स की वो कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो काम है वो बैंकिंग से और जो सेवी के द्वारा रजिस्टर्ड जो डिपॉजिटरी हैं उनके थ्रू ही काम होता है, ये डाकघरों का काम नहीं होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो 7th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे अधिक मुद्रास्फीति की दर से लाभान्वित होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पेंशनभोगी, देनदार, सरकार, पेंशनर या बचत बैंक खाता या धारक। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सेकंड नंबर यानी कि देनदार वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आज का जो 8th क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन देश की वित्तीय स्थिति का सूचक नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, क्रय शक्ति समता, एक वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या मानव विकास सूचकांक या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि क्रय शक्ति समता एक सही आंसर है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आज का जो 9th क्वेश्चन है वो है किस संगठन एजेंसी का प्रमुख कार्य देश में मुद्रास्फीति को कम करना और नियंत्रण करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है देश का केंद्रीय बैंक, देश का स्टॉक बाजार या देश का योजना आयोग या सेबी या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि देश का केंद्रीय बैंक, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो RBI है। RBI के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पिछले वाले वीडियोस में। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है। हमारे पास ऑप्शन है विभिन्न वस्तुओं के खुले बाजार मूल्य का अप्रत्यक्ष जांच डालना या समाज के कमजोर वर्ग को उद्यान और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना या किसान को उत्पादों का प्रतिस्पर्धा मूल्य प्रदान करना या इसमें उपरोक्त सभी या इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि समाज के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। आइए दोस्तों ये थे हमारे टोटल 10th क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों कल हम बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 9th पार्ट कवर करेंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।